हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड जय श्री राम। आप सबको पता है कि 22 जनवरी को हमारा रामलला अपने घर आए हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं सोचा कि राम जी के नाम लेके कुछ बनाए। तो आज मैं एक पोस्टर बनाने वाला हूँ जो कि जिसमें राम जी का नाम रहेगा, जय श्री राम लिखा रहेगा और राम जी का फ़ोटो भी रहेगा। ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली पोस्टर होगा, कोई भी बना सकते हैं फोटोशॉप में। और जिसके पास फ़ोन है, फ़ोटोशॉप नहीं है, मतलब फ़ोन में भी फ़ोटोशॉप होता है लेकिन जिसके पास पीसी नहीं है वो भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाने वाला हूँ। बस फ़ोन में अगर बनाओगे तो प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। तो फॉन्ट मैंने लिया है ये वाला जो डेको नाम का है, और ये गूगल फॉन्ट से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ताकि ये रॉयल्टी फ्री रहे। और ये फ्री डाउनलोड भी है, तुम देख सकते हो, बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, पूरा फैमिली है इसका। और पीएनजी मैंने लिया है पीएनजी मैंगो से, जो कि फ्री है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल यूज़ ओनली, मतलब छोटे मोटे काम के लिए यूज़ कर सकते हो, बड़ा काम या फिर कोई ऑफिशियल काम यूज़ नहीं कर सकता। इसका मेकर का नाम भी यहाँ पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम फोटोशॉप में ये पोर्ट्रेट 4x6 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगा। इसके बाद सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस ओ दबा के हमारा जो फोटो है राम जी का वो ओपन कर लेंगे। अभी ये एक दूसरा पेज में ओपन हो गया, तो इसको पिछले पेज में लेने के लिए पहले इसको ऐसे होल्ड करके इधर फिर पेज में ला के छोड़ दीजिए, आ जाएगा। फिर कंट्रोल दबा के माइनस और इसको एडजस्ट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस टी दबा के फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट कर सकते हैं। ले लेता हूँ ताकि एकदम मिडल में रहे। कंट्रोल प्लस प्लस दबा के जूम इन कर सकते हैं। और हो गया। अब हम इसमें राइटिंग करेंगे, तो यहाँ पे टी का जो लोगो है इसमें क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे जय, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और फॉन्ट मैंने वो ही सिलेक्ट करके रखा है जो अलकतरा वाला, ये वाला, इसका नाम है अलकतरा। और ये भी गूगल फॉन्ट में अवेलेबल है फ्री में, और इसका भी फैमिली अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, सारे रेगुलर बोल्ड सारे अवेलेबल हैं। ये डाउनलोड कर लीजिए, ये भी बहुत सुंदर है। इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट अलकतरा, और एक लेयर ले लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस से लिखेंगे श्री, ये वाला श्री अच्छा नहीं लग रहा, ठीक से नहीं आ रहा, तो इसको सिलेक्ट करके डेको फॉन्ट का जो श्री है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और एक लेयर ले लेता हूँ, अब हम जितने भी लेटर्स हैं ना इसको हम एडजस्ट करेंगे आपके टेस्ट, अपने टेस्ट के अनुसार। तो पहले जय सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको
विंडो कैरेक्टर, और कैरेक्टर का साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। और मूव टूल के मदद से हम ये इसको यहाँ लेके आते हैं। सेम एक ही तरीके से इसको भी सिलेक्ट करके हम चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। ये जो राम लिखा हुआ है इसको अगर यहाँ पे रखें तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और जय को अगर हम यहाँ पे रखें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा लेआउट होगा, और साइज़ हम ठीक करेंगे अब। अब इन तीनों लेयर को हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से लिंक कर देंगे। लिंक करके हम तीनों लेयर को एक साथ में एडिट कर सकते हैं, तीनों वर्ड्स को। इसको हम जो फोटो है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको फिर से अनलिंक करके थोड़ा और एडिट करेंगे हम। अब तक तो सिंपल एडिटिंग था, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो इसके मैंने पहले ये लेयर सिलेक्ट करूँगा, और रेट्रिसाइज टाइप, फिर मैं जूम इन करूँगा। सिलेक्शन टूल से मैं इतना सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मूव टूल से इसको मैं मूव कर सकता हूँ, फिर से जूम आउट, इसका मैं कंट्रोल टी दबा के इसका टाइम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और देखो कितना सुंदर आर्टिस्टिक लुक आ गया। कंट्रोल डी दबा के मैं डीसिलेक्ट करूँगा, पहले मैं इंटर दबा के इसको लॉक करूँगा, और कंट्रोल डी दबा के डीसिलेक्ट करूँगा। सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ जाय के साथ भी।
इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा सर्कल वाला, और सर्कल वाला टूल सिलेक्ट करके इसका जो एंगल है ना, एंगल ठीक रखना है। ऐसे करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, फिर इसको सिलेक्ट करके आप इसे मूव, वो पहले इसको डिसाइड करना पड़ेगा, अब इसको मूव भी कर सकते हो। कंट्रोल टी दबा के अनसिलेक्ट, फिर कंट्रोल टी दबा के पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मूव टूल से इसको मूव कर सकता हूँ मैं। कंट्रोल टी दबा के इसको बड़ा कर सकता हूँ। और स्पेस दबा के मैं पेज को ऐसे मूव कर सकता हूँ। स्पेस होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करके ऐसे मूव कर सकते हैं आप। इसको ऐसे एडिट करना है ताकि ये सुंदर लगे और आर्टिस्टिक लगे। कंट्रोल एंटर, फिर कंट्रोल डी, और ये हो गया। जो राम है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। अब भी ये ज़्यादा मैच कर रहा है, जो जाय है ना उसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है ये डिज़ाइन। तो एंटर दबा के इसको लॉक कर दूंगा। अब कलर करना है। कलर करने के लिए सबसे पहले मैं जो तीनों लेयर में राइटिंग है उसको हम एक साथ में सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के। इसको रेट्रिसाइज कर लेते हैं और लिंक कर लेते हैं। अब सिलेक्शन टूल से पूरा जो राइटिंग है उसको सिलेक्ट करके मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो बैकग्राउंड में ये कलर मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ ये यहाँ पे आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको वाइट ही रखते हैं। ऑल्ट बैकस्पेस, और इसको भी वाइट कर लूँगा। सारे जो राइटिंग्स था उसको मैं वाइट कर चुका हूँ। अब इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करूँगा। तो देखिए ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है, और इसमें मैं और भी बहुत एडिट करने वाला हूँ, देखते जाइए बस। तो पहले मैं इस तीन को सिलेक्ट कर लिया है। अब डुप्लीकेट लेयर्स, जो डुप्लीकेट है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा पहले। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ। जो डुप्लीकेट्स लेयर्स है उसको मैं ब्लैक कलर करूँगा। अब ये जो तीनों लेटर्स है इसको मैं, मतलब तीनों वर्ड्स है इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, थोड़ी सी साइड में, ये राम का तो पूरा ब्लैक नहीं हुआ। इसको सिलेक्ट करके फिर से करता हूँ।
अब ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं पीछे लेने वाला हूँ, ये जो लेयर है इसको मैं ये वाइट वाला लेयर के पीछे लेने वाला हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे नीचे ले आ सकते हैं आप इसको। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसको जो कॉपी था उसको सिलेक्ट करके और भी थोड़ा सा साइड में ले सकते हो उसको। हाँ ये अच्छा है। हमारा पोस्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब तक तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा और एडिट करूँगा, थोड़ा फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो मैंने एक डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे, ये जो फ्लावर्स है इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको मैं ऐड करूँगा। तो कंट्रोल प्लस हो करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। एक तो ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं और भी फ्लावर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं छोटा करूँगा। और इसको मैं ले आऊँगा सबसे ऊपर। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। फिर से कंट्रोल टी करके सिलेक्ट करता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। और एक फ्लावर मैं ऐड करूंगा इसके लिए, पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके इसको फ्लिप करना पड़ेगा। इसलिए पहले इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली और इसको मैं इस सेट पे ऐड कर सकता हूँ। रूलर को मैं हाइड कर देता हूँ कंट्रोल एच दबा के। ऑलरेडी अच्छा लग रहा है बहुत, और क्या कर सकते हैं इसके साथ में, या फिर इतना ही रखे, इतने में ही बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा एडिट करूँगा तो बिगड़ सकता है पिक्चर, तो इसमें ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा जो राम जी का पिक्चर है इसको। और देखिए बन के तैयार है हमारा राम जी का पोस्टर, कितना सुंदर है, जय श्री राम लिखा हुआ पोस्टर। ये आप प्रिंट करके अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। मॉडर्न भी है, क्लासिक भी है और सुंदर भी है। सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा दिया कैसे करना है, और फोटोशॉप भी आप सीख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही फोटोशॉप का और भी ट्यूटोरियल के लिए ज़रूर आइएगा मेरे चैनल में, मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं पोस्ट करूँगा, जिससे आप सीख भी सकते हैं और देख के इन्जॉय भी कर सकते हैं। और
ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर आप कोई सजेशन हो तो बताना। आपका अगर कोई आइडिया है माइंड में ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू लेटर एंड जय श्री राम।